हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया फ़ारूक़ी और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी, केले की चिप्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कहीं से भी स्किप ना करें। आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लेंगे दो केले। फ्रेंड्स, आपकी जितनी मर्ज़ी आप उतने केले ले सकते हैं, तरीका वही होगा। तो केले को हम पहले ऊपर के छिलके को हल्का सा कट कर लेंगे और इसको हम छील लेंगे। और हम लेंगे 2 टेबल स्पून पानी। अब हम पानी में 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम केले को छीलेंगे। केले को हमें ऊपर से बस ही कट करना है, जितना छिलका होता है उतना ही। उसके बाद हम बहुत ही आसानी से केले को छील लेंगे। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी आपकी चिप्स। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम केले के दोनों साइड के पार्ट को कट कर लेंगे और इस तरीके से हम उसमें हल्का सा कट लगाएंगे। बस हमें छिलके तक ही कट लगाना होगा हल्का सा। उसके बाद हम केले को आसानी से छील लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके छिलके को हम निकाल देंगे। आपके पास जितने केले हों आप सभी को छील कर रख लें। तो यहाँ पर मैंने 2 केले को छील कर रख लिया है और इस तरीके से हम स्लाइसर लेंगे। फ्रेंड्स, तेल को हम एकदम लो फ्लेम पर गरम करेंगे। तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम केले में इस तरीके से कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लाइस करेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से स्लाइस करेंगे इसको। हमें केला फौरन छीलकर ही फौरन इसको हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा पहले से गरम होना चाहिए। इस तरीके से हम स्लाइस कर लेंगे तेल में और इसे हम फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। फ्लेम को मीडियम या हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमने इसे स्लाइस कर लिया है। अब हम 1 मिनट के लिए इस तरीके से इसको पकने देंगे, यानी फ्राई होने देंगे। फिर अब हम उसमें हल्दी और नमक का घोल ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और इसमें अगर बबल्स उठ रहे होंगे तो कोई इशू नहीं है। इसमें पानी हमने ऐड किया है तो उसमें थोड़ा बहुत बबल्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट इस तरीके से हमने लो फ्लेम पर इसको फ्राई किया है। एकदम बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट हमारी केले की चिप्स बनकर रेडी हो चुकी है। इसको मैंने देखो क्रश किया और एकदम बहुत ही आसानी से ये क्रश हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें कि आपकी कैसी बनी चिप्स। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ, मेरे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर लें पर भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नई अपडेट आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।